नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में ठीक से होंगे। पर आज बाहु ठीक नहीं है, फीवर है इसको बहुत ज़्यादा। तो मैं और हस्बैंड जी आए हैं इसको हॉस्पिटल लेके। तो यहाँ पे हमारी जो इंटो वाली गाड़ी है ना, वो इंटो उतार रही है, तो हस्बैंड जी इसको चेक करने गए हैं। और ये देखिए, बाहु की आज ना चिक भी बहुत रेड रेड हो गई हैं। रात से इसका पेट खराब था, मतलब कि पता नहीं, जैसे ना बच्चे कुछ बाहर का जब खा लेते हैं ना, जैसे बच्चों को ऑलमोस्ट आदत होती है कि किसी भी चीज़ को वो सबसे पहले मुंह में डालते हैं। तो इसको ना पेट में इन्फेक्शन के कारण बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, रात से फीवर है और अभी भी ज़्यादा फीवर नहीं। तो इस टाइम तक आप देख सकते हैं कि बाहु जो है ना, ऐसे सुस्त बैठा है। अगर नहीं होता फीवर तो ये ऐसे खेलता है, वैसे अभी भी खेलता है मेरे पर्स के साथ। हॉस्पिटल तो आ गए हैं, अभी बस इसको चेक करवाना है और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे ना ये हॉस्पिटल ही बन रहा है, उनका ये काम है। तो यहाँ पे हमारी इंट आ रही है, तो हस्बैंड जी जा रहे हैं इंट को देखने और हम पहुँचे हैं हॉस्पिटल और अंदर पेशेंट चेक हो रहे हैं। तो बाहु का चेकअप मैंने करवा लिया, हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई वहाँ की। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर को। गाइस, मैं आ गई हूँ घर। बाहु को फीवर था और किना लूज मोशन की वजह से उसके जो हार्ट रेट थी वो ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि डिहाइड्रेट हो गई थी उसकी बॉडी। तो ना इसको मेडिसिन दी है और दो दिन के बाद फिर से बुलाया है। और जाते जाते ना फिर अभी लेट हो गए थे हम आने में, क्योंकि हॉस्पिटल में ना बहुत ज़्यादा रश था, तो इस कारण हम लेट हो गए। अभी 3 बज गए हैं और खाना मैं सुबह का नहीं खा के गई थी। तो अभी मैंने ना भुने हुए चावल जो है ना वो गैस के ऊपर रखे हैं, क्योंकि बाहु का जैसे पेट जो है ना वो लूज है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी भुने वाले चावल खाती हूँ। तो अभी मैं जस्ट उनको चढ़ा के आई हूँ और वो शायद बन भी गए होंगे, देखती हूँ मैं। बाहु दूध पीता है ना, वो खाना कम खाता है, तो इसलिए जो मैं खाऊंगी वही उसे लगेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा वो दाल वगैरह ना अवॉइड कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़े भुने चावल खाती हूँ, इससे इसका पेट जो है ना वो ठीक हो जाएगा। उसे मेडिसिन भी दी है डॉक्टर ने। तो ये देखिए, ये चावल ऑलमोस्ट बन ही गए हैं। वैसे मुझे पसंद नहीं है ये चावल, पर बाहु की वजह से मुझे खाने पड़ रहे हैं। पर हल्का सा मैंने इसमें ना घी डाल रही है और ये दही मैंने ले लिया थोड़ा सा। ये देखिए, बाहु अभी सो के उठा है और उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं आई इसमें दिख रही है। पापा ही बोलता है ये, बस वो पपीस हैं सामने, तो बाहु उनको देख रहे हैं। पपी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ी देर के लिए उठा था और ये फिर से सो गया। और अभी मेरे को लग रहा है फीवर भी इसको है। अभी मेडिसिन दूंगी इसे 8 बजे, क्योंकि 3-2.5 बजे दी थी इसको मेडिसिन, तो 9 बजे के करीब अभी मेडिसिन दूंगी इसको। बच्चा बेचारा, ये है कि तंग बहुत कम करता है, नहीं तो बच्चे कितना रोते हैं जब वो किसी तकलीफ़ में होते हैं। तो ये बेचारा वैसे दूध पी के सो जा रहा है। देखती हूँ अभी मैं आज की रात देखूंगी, अगर नहीं ठीक हुआ तो कल इसको मैं फिर से लेके जाऊंगी हॉस्पिटल, ठीक हो जाए। पर तो गाइस, बाहु की तबीयत ना ज़्यादा ख़राब है। आज पूरा दिन उसने मुझे उठने नहीं दिया, कोई काम नहीं करने दिया, और पूरा दिन आज देखिए उसको लेके मैं बैठी हुई हूँ। अभी भी वो सो रहा है, 2 मिनट आँख खो रहा है और फिर सो जा रहा है। आज बहुत मेरा ना ऐसे मन बहुत बेचैन सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। बोलते हैं ना, जब बच्चे सही नहीं होते, ठीक नहीं होते, तो पेरेंट्स भी ऐसे ही रहते हैं। तो वही हिसाब आज मेरा है, ना खाने में मन है ना कुछ काम करने में। और अभी छोटा है तो उसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते। तो गाइस, आज पूरा दिन ऐसे ही चला गया। पहले इसको हॉस्पिटल लेके गए थे और वहाँ से इसको मेडिसिन करवा के लाए, तो मेडिसिन भी दी, पर उसके बाद भी जो उसका लूज स्टूल है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, मतलब कि पेट उसका ठीक नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, अभी मैंने फिर से हस्बैंड को फ़ोन किया, क्योंकि वो वही हॉस्पिटल में ही बैठे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप डॉक्टर से एक बार फिर से कंसर्न करो। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है।
तो आप देख सकती हैं आज मैंने ना इतने सारे कपड़े धोए ना, मैं ये हॉस्पिटल जाने से पहले ही सारे कपड़े धो के चली गई थी, क्योंकि दो तीन दिन से कपड़े वॉश नहीं किए थे। बाहू ऐसे ही मेरे को बीमार सा लग रहा था तो वो कुछ करने नहीं दे रहा था। गाइस जब ना बच्चे बीमार होते हैं तो सारा जो दिमाग है ना वो पूरी तरह से अपसेट हो जाता है। पीछे हानू बीमार था तो आप मान ही सकते हो कि मुझे रात को नींद ना आए, दिन में मुझे चैन ना आए। और बस ये था क्योंकि हानू, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था, तो आज वही हालत जो है ना वो बाहू की है। पर बाहू बहुत स्ट्रांग है क्योंकि बाहू ना इतना बीमार है, और वो फिर भी जब भी उसे कोई ले रहा है या कुछ कोई आ रहा है, जैसे बच्चा कोई आ रहा है, वो ना बड़े से स्माइल कर रहा है और मतलब किसे खेलने के लिए उनके पास जा रहा है। तो बिल्कुल वो छोटा है ना इसलिए वो ऐसे कर रहा है। तो अभी मैंने ना आके खाना वगैरह बनाया और वो खाया, फिर कपड़े में सुबह धो के गई थी। तो भुने हुए चावल ही मैंने बनाए थे आके, क्योंकि ज़्यादा मैंने स्पाइसी नहीं खाया, ना ही मैंने वो दाल चावल दाल वगैरह बनाई, और मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का ही खाती हूँ क्योंकि वो दूध पीता है, तो इसलिए थोड़ा मैंने हल्का ही खाना अच्छा समझा। तो सो गया है वो, आते आते ही सो गया था। थोड़ी ना शेडो पड़ रही है पीछे से क्योंकि बादल आ रहे हैं ना सूरज के आगे, तो थोड़ा ब्लैक हो रही है वीडियो, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और तो बस कपड़े वगैरह तैयार करने हैं, फिर अगर वो उठ जाएगा तो वो लेना है। अभी हनु भी नहीं आया है स्कूल से, हनु भी शायद अभी आने वाला हो, और ठंड ना काफ़ी हो गई है। पहले तो मतलब कि थोड़ा मौसम चेंज हो गया था, मतलब कि जो कल की बारिश पड़ी है ना उसकी वजह से फिर से ठंड हो गई है यहाँ पे, तो हवा भी चल रही है। तो गाइस मैं ना जल्दी से कपड़े तय कर लेती हूँ और फिर हनु आएगा, उसको खाना वगैरह देना है। तीन 3:30 बजे का टाइम है और 4:15 बजे तक उसकी बस जो है ना वो यहाँ पर अराइव हो जाती है। और हानू जब स्कूल से आया ना तो वो उसके साथ खेल रहा था और बाहू भी उसके साथ ही खेलने लग पड़ा, फिर मेरे को देख के अच्छा लग रहा था थोड़ा। तो मैंने सोचा कि हानू बाहू के साथ खेल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी से ना कपड़े तय भी कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में अगर हानू भी चला गया प्रैक्टिस के लिए तो वो सारा काम फिर से ऐसे ही रह जाएगा। तो शाम हो गई है तो मैंने सोचा मैं भी स्वेटर वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि जाती हुई ठंड है ना तो वो ख़राब करती है, जा तो आती हुई सर्दी ख़राब करती है, जो जाता हुआ मौसम ख़राब करता है, कोई भी मौसम है, तो इसलिए स्वेटर वगैरह मैं अपना जो है ना वो पहन के फिर बाकी के काम करती हूँ। शाम को फिर आ गए थे हस्बैंड और मैंने बाहू को दिया उनके पास। फिर बाहू ना बड़ी मुश्किल से बैठा था उनके पास, क्योंकि वो जा नहीं रहा था किसी के पास, पर उसकी नज़रें ना मेरी तरफ ही हैं, ये देखिए मुझे देखे जा रहा है, मैं सामने बैठी हूँ। तो अभी मैं ना उनके पास दिया है, फिर मैंने इसको दवाई वगैरह पिलानी है, थोड़ी फीवर वाली जो दवाई है ना फिर मैंने सोचा दे देती हूँ उसको एक बार। तो अभी उनके पास बैठा और ये देखिए इसके नखरे, आज ना बड़े नखरे कर रहा था बाहू, कभी हंस रहा था कभी ऐसे नाक ऊपर करके चिढ़ा रहा था। और ये देखिए ये कितना अच्छा मासूम सा लग रहा है मेरा बच्चा। तो गाइस अभी ना इसको मेडिसिन भी देनी है, क्योंकि फीवर वाली मेडिसिन मैंने दोपहर को दी थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बार फिर से इसको दे दूँगी। तो गाइस मैं मेडिसिन इसको देती हूँ और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।